So hey guys, welcome back to the channel of Booze and Crews once again. So guys, आज है संडे एंड संडे वाले दिन हम लोग बाइक राइड पे ना जाएं, ऐसा कभी हो सकता है. सो गाइस, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं राजगुंदा एंड उसके अलावा आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले हमारी हुई है बिलिंग से. चेक दिस आउट. सो गाइस, बिलिंग इज़ द टेक ऑफ पॉइंट फॉर पैराग्लाइडिंग एंड हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके हम आपको सबसे मिलवाएंगे. तो सबसे पहले मिलिए नवदीप भाई से, जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, उसके ओनर. एंड बाकी रतन भाई, ईशान भाई को तो आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा. एंड शी इज़ रेका फ्रॉम हंगरी, शी इज़ वेरी हंगरी ऑलवेज. एंड ये हम विन्नी, ये बॉम्बे से है. तो बस आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे सीधा जाके राजगुंदा. सो गाइस, दिस इज माय बाइक एंड राइट नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड बिलिंग एंड ऑफ टू राजगुंदा. एंड मेरे साथ ईशान भाई चलेंगे क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी काफ़ी सारा स्टफ है, तो वो मेरे साथ बाइक पे चलेंगे. सो लेट्स गो. सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स वगैरह भी होती हैं. तो बाइक तो निकल गई बट पत्थर उठाने पड़ेंगे. सो गाइज, द टाइम इज अराउंड 4:50 एंड वी रीच टू द स्पॉट वेयर वी गाइज वॉन्ट टू बी. सो हमारा रात का स्टे यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे अंदर डॉम बेड्स हैं, यहाँ पे स्टे करेंगे रात को. यहाँ बॉनफायर है एंड डेट वन इज़ द कॉमन एरिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा. एंड अभी गाइज, वी गाइज आर गोइंग टू द प्रॉपर्टी विद द नेम ऑफ जॉस्टल एंड बस पास में ही है. चेक दिस आउट, डेट रेड रूफ प्रॉपर्टी. सो डेट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड जॉस्टल एंड अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं फिशिंग करने. यहाँ पे एक्चुअली राजगुंदा साइड ट्राउट फिश मिलती है, बहुत ही बढ़िया वाली. तो फिशिंग उधर प्रॉपर्टी पे ही फिशिंग कर सकते हो आप लोग एंड कुछ कॉस्टिंग अराउंड रहती है 900 या 600 के आसपास. तो उसके अलावा गाइस, फिशिंग करेंगे रात को, बॉनफायर करेंगे, बढ़िया चिल करेंगे. वैसे मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, इवन यू गाइस कैन सी माय सिनेमैटिक व्लॉग आल्सो, आई लिंक में आपको शो हो रहा होगा. एंड लेट्स गो. तो दोस्तों, जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे ये ढलती शाम ने एक नई कहानी शुरू की. मुझे लगा जैसे कि ये पल सिर्फ मेरे लिए बना है. खैर, ये तस्वीर, ये पल, ये शाम अभी भी मेरी एक छोटी सी याद में कैद है. और फिर मैंने महसूस किया ये अनोखा सफ़र जिसमें मेरे हाथ में चाय की प्याली, हर एक पत्थर जिस पे मैं बैठा था, मानो कि जिंदगी जीने का एक नया पैगाम लेके आया. So hey guys, it's day 2 and gonna sit here for a while because it's so fucking peaceful, man. Because as you guys can see the valley behind me and in front of me there are mighty mountains and that mountains called Thamsar Pass. Actually ये थमसर के पहाड़ हैं, तो पीछे थमसर पास का एक ट्रैक है जो कि 5 दिन का है. कभी मौका मिलेगा तो वो भी गाइस ज़रूर करेंगे. एंड कल रात की बात करता हूँ, तो कल रात हम लोग पहुँचे ही शाम को थे एक्चुअली. तो उसके बाद हम लोग बाहर बैठे थे, आग जलाई थी, मछली वगैरह भी हम लोगों ने खरीदी थी जॉस्टल प्रॉपर्टी से. तो बट वेदर काफ़ी विंडी था जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए. तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया
लेट्स गो इनसाइड, क्योंकि अंदर भी बुखारी लगी थी कॉमन एरिया में, तो फिर यहीं बैठ के हम लोग चिल कर रहे थे, पोकर खेल रहे थे एक्चुअली। तो करते करते गाइज हमें एक बज गया होगा, एक बजे वही गाइज हैड अवर डिनर। एंड उसके बाद गाइज जो हम लोगों ने स्टार गेजिंग की है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की है। एंड काफ़ी अंधेरा था जिसकी वजह से मैं अच्छे शॉट्स नहीं ले पाया स्टार गेजिंग के, एंड मैं अपना एक माउंट भी लाना भूल गया था। तो थोड़ा बहुत जो भी कैप्चर किया वो मैं व्लॉग के एंड में ज़रूर डालूंगा गाइस। एंड उसके अलावा आज का प्लान कुछ ऐसा है कि ये लोग तो अभी यहीं पे स्टे करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस निकल जाता हूँ, बिकॉज़ मैं यहाँ पे पहले भी बहुत बार आया हूँ, तो यहाँ पे वैसे तो कोई इशू नहीं है, बहुत पीसफुल जगह है, मुझे कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, बट मुझे कुछ व्लॉग्स एडिट करने हैं। बाकी चेक दिस आउट, सुबह सुबह कौन मिलने आया हमसे, चिकन। ओहो भाई, गाड़ी का साउंड तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब बहुत कम है। अभी गाइस ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड आलू परांठा ऑर्डर किए हमने। एंड बाकी मैं स्टे का भी बता देता हूँ आप लोगों को, तो हम रुके थे राजगुंदा में इस टाइम लेजी मॉग में। वैसे ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ में मैंने स्टे कर ही रखा है, बट इस बार यहाँ पे किया। एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 900 rupees पर नाइट, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट सुबह का इंक्लूड है। तो डिनर भी बढ़िया था, अच्छा खासा, वी हैड चिकन, वी हैड पनीर, वी हैड दाल, चावल, रोटी एंड ऑल। तो भाई बढ़िया है, 900 rupees में क्या माड़ा है। तो आप लोग अगर प्लान करते हो कभी आने का, सो यू गाइज कैन विजिट दिस प्लेस कॉल्ड लेजी मॉग। वैसे ऑलमोस्ट मैंने हर जगह यहाँ पे स्टे किया है, तो सामने जैसे हॉस्टल है, ठीक है, वहाँ भी रह सकते हो अगर आपको वर्केशन करना है प्रॉपर, बिकॉज इस साइड ना वाईफाई वगैरह नहीं चलते, नेटवर्क भी बहुत कम कम आता है। तो बाकी इट्स अप टू यू गाइस, तो देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है आज का। गाइस द टाइम इज़ अराउंड 1:36 एंड वी हैड अवर ब्रेकफास्ट, वी हैड अवर लंच ब्रेकफास्ट, एंड सारे रेडी हो चुके हैं। श्याम भाई नाइस हेयर स्टाइल ब्रो। So all guys, lovely people are here. नवदीप भाई चले चले पानी के स्रोत्र को ढूंढने, चलो 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 जीवन को। So guys, हम लोग पहुंच चुके हैं उल रिवर के पास। लास्ट टाइम भी आज से 2 साल पहले मैंने व्लॉग डाला था, तो उसमें लाइक ना ये रास्ता था ही नहीं। अभी मैंने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, बिकॉज आगे बिल्कुल मडी है, एंड गाड़ी वहाँ पे हम लोग पार्क कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत डीप पैच है, तो उसके कारण गाड़ी फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले 2 साल पहले जब मैं आया था ना दोस्तों, तो भाई ये ना ये जो पुल देख रहे हो आप, ये भी नहीं बना था उस टाइम, और ये स्टे भी नहीं था उस टाइम, बट क्रेजी मैन। धीरे धीरे ये जगह भी डेवलप हो रही है, बट इसको डेवलप होने में एटलीस्ट 5-6 साल तो लग ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो चलते हैं, यहीं बैठेंगे, थोड़ी देर चिल करेंगे, फिर आगे का देखते हैं। तो गाइस इस वाले पैच की बात कर रहा था भाई, क्रेजी, मतलब घुसा तो सकते हो बाइक बट निकाल नहीं सकते हो भाई, देख रहे हो मिट्टी है भाई एकदम लिटरली में। सो गाइस दिस वाज द ब्रिज आई वाज टॉकिंग अबाउट, चलो भाई। गुड ओल्ड डेज, चलो नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। नो ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट वन ऑफ दोस थिंग्स दैट यू आर टू डू। सो गाइस दिस वाज द ब्रिज आई वाज टॉकिंग अबाउट, आज से 2 साल पहले आया था इस ब्रिज पे, तब ये पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज था, काफ़ी ऊपर था, एंड बड़ा मज़ा आता है इस ब्रिज पे चलने का ना। अभी मेरे पीछे पानी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, बढ़िया ऐसे बम करता रहता है। बट ये जो वाटर है ना, ये एक्चुअली उल रिवर है,
ये वाटर आ रहा है दोज माउंटेन से, तो वहाँ पे थमसर के पहाड़ स्टार्ट होते हैं जो 5 दिन का ट्रैक बता रहा था, तो वहाँ से ग्लेशियर का पानी पिघलता हुआ आ रहा है दोस्तों। बट पानी इतना क्लियर है ना, क्रेजी मैन, क्रेजी। देख रहे हो भाई, नवदीप भाई, गोभी दा फूल, गोभी दा किते चली है, गोभी दा फूल बनके मुड़िए बजा। सो वी गाइस आर फ्लाइंग ड्रोन एंड टेकिंग सम ड्रोन शॉट्स, एंड यहां पे अभी फ्रिस्बी खेल रहे थे। दैट्स सो क्यूट, सी दिस इज ड्रोन। हिरेक हमको तो जानते ही होंगे, कटप्पा बुलाते हैं हमको। हां मामा हथियार निकल। ऐसे फेंक दो आप इसको, मैं म्योलनिर माफी पकड़ेगा। रखना बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन कटप्पा हथियार निकाल दिया, हटा दो, हाथ में तोड़ दे दो, गजनी लगेंगे पूरा। कल्पना वाज किल्ड। Kalpana was killed? I didn't do nothing, bro. So guys, let's move ahead as the sun has also set. So it's a sunset, but the mountains are so big. So, you know, उसके पीछे छुप गया है। अभी टाइम है वैसे सनसेट को, बट हमारे लिए ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। सो आई होप यू गाइज इंजॉयड सम ड्रोन शॉट्स, एंड अभी देखते हैं क्या प्लान रहता है। माइट भी मैं तो वापस बिर निकल जाऊंगा, एंड दे गाइस गोना स्टे ओवर हियर। सो लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्त, इस खूबसूरत वैली से अलग होकर मैं अपने आने वाले सफर के लिए तैयार हूँ। हर नया दिन एक नए सफर का इजहार है, और मैं इस जिंदगी की कहानी का हिस्सा, या यूं कह लो दोस्तों, इस कहानी का ज़रूरी किरदार। व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग माय मोटिवेशन।